इसी तरीके से सामीन जंगे जमल के हवाले से एक एतराज़ ये भी किया जाता है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कि जी ये लोग लश्कर बनाकर, जत्था बनाकर खलीफा राशिद से लड़ने के लिए निकले और उनकी खिलाफत के ख़िलाफ़ थे ये लोग, और ये काम जो इन्होंने किया ये हराम था और बिदत था, ये एतराज़ इन पर किया जाता है। तो इस एतराज़ के जहाँ तक सामीन जवाब की बात है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इन एतराजात में हकीकत नहीं बल्कि इल्ज़ाम है इन सहाबाए कराम पर। वो क्यों? वो इसलिए सामीन है कि अगर ऐसा होता तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, ये हज़रात जो है वो बसरा का रुख इख्तियार ना करते, ये मदीने जाते, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मदीने में थे। इन लोगों ने बसरा का रुख इख्तियार किया, बसरा की तरफ गए, जो इस बात की दलील है कि ये लोग हज़रत अली की खिलाफत के ख़िलाफ़ नहीं थे, ये लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से लड़ने के लिए नहीं निकले थे। एक बात सामीन। दूसरी बात सामीन कि इन लोगों का मुतालबा किसासे उस्मान का था। इन लोगों का मुतालबा यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत तलहा व ज़ुबैर रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, इनका मुतालबा किसासे उस्मान का था, और यही मुतालबा इन हज़रात ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के सफ़ीर हज़रत काका रज़ी अल्लाह तआला के सामने रखा, जब वो गुफ्तगू के लिए आए जंगे जमल से पहले उनके सामने रखा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनके मुतालबे को गलत नहीं कहा। कहीं भी एतराज़ करने वाले ये दिखा नहीं सकते कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनके मुतालबे को गलत कहा हो, और कहा हो कि नहीं जी ये जो है वो मुतालबा नहीं है, ये तो तुम लोगों ने ढोंग रचा है जिस तरीके से ये लोग कहते हैं, या तुम्हारी नीयतें कुछ और हैं, या पीछे मनसूबाबंदी कुछ और है, या तुम मेरी खिलाफत के ख़िलाफ़ हो। इस तरह कोई भी बात जो आज ये लोग सहाबाए किराम पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं कही। बल्कि सामिन सबसे बड़ी बात कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से इन हज़रात का इत्तेफाक हो गया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के किसास के तरीक़ेकार पर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ इब्ने कसीर के अंदर लिखा है। तो इनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने तो इत्तेफाक कर लिया था, अगर इनका मुतालबा कुछ और होता, इनकी नीयतें कुछ और होती, ये हज़रत अली की खिलाफत के ख़िलाफ़ निकले होते, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला क्यों इनसे किसासे उस्मान पर, किसासे उस्मान के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक कर लेते, क्यों करते उनसे इत्तेफाक? तो मालूम हुआ सामीन ये एतराज़ इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। बाकी फिर आगे जो जंग जमल हुई वो हादसाती तौर पर हुई, इत्तेफाकी तौर पे नहीं हुई, बल्कि उन लोगों की जो है वो मनसूबाबंदी की वजह से हुई जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल में मुलविस हैं, जैसा कि अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है। बहरहाल सामिन, इस एतराज़ के अंदर सिर्फ सहाबा-ए-किराम पर इल्ज़ाम तराशी है, कोई हकीकत इसके अंदर मौजूद नहीं।